Okay, current, electricity, exercise from NCERT book. We are doing question number 1 from chapter 3, question 1. It says there is a car battery and battery has EMF 12 volt and internal resistance R, this is equal to 0.4 ohm. What is the maximum current? The formula for current is E upon R plus R. This is internal resistance, this is external resistance. When they say maximum current, then we assume that external resistance becomes zero. तब इसकी करंट सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम ज़ीरो कर दें तो ये बन जाएगी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई एम एफ 12 0.4 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 30 एम्पियर. इसका ये मतलब है कि ये वाली बैटरी किसी भी हाल में 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं दे सकती. ठीक है, सो इट ऑल्सो शोज दैट एवरी बैटरी हैज़ ए लिमिटेशन. अगर आप शॉर्ट भी कर देंगे तब भी इससे ज़्यादा करंट वो नहीं देगी. ठीक है, एंड नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2. ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट A battery of EMF 10 volt, internal resistance 3 ohm, is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5, current in the circuit is 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? This we have to find out. Resistance of the resistor. What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? V. When circuit closed. हमको याद है अगर circuit open होता है no current तब तो V किसके बराबर होता है? E के बराबर. और जब क्लोज होता है उस समय की वैल्यू ये हमसे पूछ रहे हैं. ओके, सिंपल फॉर्मूलाज लगाते जाइए. आई 0.5 है, ई एम एफ आर आर. व्हाट इज द रिलेशन? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर. पुट द वैल्यूज एंड दिस विल बी 0.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 प्लस आर. And this will give you value of R is equal to, बताइए. 1.5, correct. And this will come here 8.5. This is 1.5, 8.5. और लो करिए. हाँ ठीक है, R is equal to 17 ohm. Okay, now we come to 3.3. Three resistors, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination in series? 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm.
1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? यहाँ से लेके यहाँ तक का R equivalent कितना होगा? 1 plus 2 plus 3. हमको क्या याद रहना चाहिए? Addition of all the three. R1 plus R2 plus R3. Okay. If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt with negligible internal resistance, obtain the potential difference across each resistor. इसको हमने एक बैटरी से लगाया and this is 12 volt और internal resistance neglect कर दीजिए. Then what is the potential difference across each? What is the rule of potential difference in series? V1 plus V2 plus V3 is equal to V. यानी V के division हो जाते हैं. तो 12 volt के 3 division हो जाएंगे और वो तीनों equal हो जरूरी नहीं है. क्योंकि तीनों resistance equal नहीं है, इसलिए voltage भी equal नहीं होंगे. तो इसका voltage हो जाएगा V1. This is V2 and this is V3. We have to find out this value. Resistance दिया है और V निकालना है. तीसरी चीज क्या होती है? करंट. V का फॉर्मूला क्या होता है? V is equal to I into R. अगर हमको I पता चल जाए तो हम R से मल्टीप्लाई करके V निकाल लेंगे. तो हमको I निकालना है. सीरीज में I का रूल क्या है? सब में सेम होता है. अब I निकालेंगे कैसे? तो I निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to V upon R, but this is for a single resistance. और यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस हैं, तो पहला काम अब क्या करना पड़ेगा हमको? तीनों को सिंगल बनाना है. सो वी मेक इट अ सिंगल रेसिस्टेंस एंड दिस सिंगल रेसिस्टेंस इज 6 ओम. ओके, देन इट इज 12 वोल्ट. सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 2 एम्पियर. वी गॉट द आई. यही आई ऊपर ले जाते हैं. इस सब में अब करंट फ्लो हो रही है. आई इज इक्वल टू 2. आई इज इक्वल टू 2 एंड आई इज इक्वल टू 2. देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू आई इनटू R1. दिस इज आई इज इक्वल टू 2. R1 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 2 वोल्ट. V2, I सब में सेम रहता है, इसलिए इसका भी I 2 इंटू R2, R2 इज 2, दिस इज 4 वोल्ट. एंड V3 इज इक्वल टू अगेन I 2 एम्पियर एंड रेसिस्टेंस इज 3 ओम. सो 6 वोल्ट. चेक तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के टोटल के बराबर हुआ या नहीं. 2 प्लस 4 6 एंड 6 12. टोटल इज 12. सो आवर आंसर इज ओके. सो दिस इज 3.3 वी हैव डन. नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3.4. थ्री रेसिस्टर्स 2, 4, 5 आर कंबाइंड इन पैरेलल. देर आर ये व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड. तो हमने क्या निकाला? R17. तो पूछा क्या है आपकी? इसकी बात कर रहे हैं कि उसकी? 3.2 की. 3.2 में क्या आर तो पूछा है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड आंसर. ठीक है, देख लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है. वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. हियर ई इज इक्वल टू 10 माइनस आई इज इक्वल टू 0.5 इंटू आर इज इक्वल टू 3. सो दिस इज
पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ठीक है। ये इसका सेकेंड आंसर हो गया 3.2 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.4। दिस सेज थ्री रेसिस्टर्स 2, 4, 5 आर कंबाइंड इन पैरेलल। टू फोर फाइव दे आर कंबाइंड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? ए टू बी फॉर्मूला बोलिए। टोटल रेसिस्टेंस ए टू बी, वन अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर थ्री। सो दिस इज इक्वल टू 5 2s are 10, 10 2s are 20। सो दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू 19 upon 20। दिस इज 1 upon RAB। सो हाउ मच इज RAB? दोनों को इन्वर्ट करिए, 20 upon 19 ohm। दिस इज रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। ओके, नाउ इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 20 volt, देन फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। इसको हमने लगा दिया 20 वोल्ट की बैटरी के साथ, 20 volt। अब हर एक में कितना करंट है? करंट के लिए बाकी दो पैरामीटर क्या चाहिए? वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो हर एक की वोल्टेज चाहिए। इसकी वोल्ट कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो कितना हुआ? और पैरेलल का नियम याद आया आपको, हर एक के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है जितना सेल ने सप्लाई किया, जितना बैटरी ने सप्लाई किया। सो इसका भी V20 है, इसका भी V20 है, इसका भी V20 है, इसलिए हम तीनों का I निकाल सकते हैं। V इज 20, R इज इक्वल टू 5 ohm। ओके, यहाँ शुरू करते हैं V upon R। सो I इन रेसिस्टेंस नंबर 1 इज इक्वल टू V upon R। दिस इज इक्वल टू 20 upon 2, this is equal to 10 ampere. I2 is equal to V upon R2, this is again V is same, divided by 4, 5 ampere. And I3 is equal to V upon R3, this is again 20 upon 5, and this is equal to 4 ampere. So these are our answers. Anything else asked? No. Now we come to 3.5. Okay. Now we are changing the format. A room temperature 27.0 degree. The resistance is 100 ohm. At room temperature 27 degree Celsius, the resistance is 100 ohm. Resistance is 100 ohm. Now, what is the temperature of the element? Find temperature of element if the resistance is found to be 117 ohm. If R is equal to 117 ohm, given that the temperature coefficient of material of the resistor
इसका नाम क्या था? अल्फा. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस. ओके. अब हमको क्या याद करना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टर. कोई फॉर्मूला याद आता है? थर्मल कोएफिशिएंट वाला बड़ा फेमस फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला आपको याद हो. मुझे पता नहीं आपको क्या याद है. R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. ये याद है जो पहले वाला रेसिस्टेंस था, और ये क्या है? इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस. एक डिग्री में कितना इंक्रीज होता है अल्फा, तो T डिग्री में कितना इंक्रीज होगा अल्फा इंटू टी एक ओम में, और ये कितने ओम है? आर नॉट ओम. तो आर नॉट ओम में इतना इंक्रीज होगा. ओके. अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, और हमको निकालना क्या है? फाइंड टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट. इसमें टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट कहाँ है? यस, डेल्टा टी के अंदर क्या छिपा हुआ है? यस. और हमको क्या पता है? टी वन पुराना टेम्परेचर, और निकालना क्या है? नया टेम्परेचर. सो वी विल फाइंड टी टू हियर. लेट्स पुट द वैल्यूज. दिस रेसिस्टेंस बिकम 117. दिस इज 100 प्लस 100 इंटू अल्फा 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू T2 minus T1, 27. ये 100 को इधर ले आते हैं, दैट मेक्स इट 17 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू T2 minus 27. So T2 is equal to इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और मुझे बताइए कितना आया. देखिए इतना आता है क्या? एट रूम टेम्परेचर 3.6 ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर. ओके. And uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square. Uniform cross section को हम क्या लिखेंगे? Area.
एरिया इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वेयर. ओके, एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम. रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 ओम. व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल? हमको निकालना क्या है? रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी हमको अल्फा कंसिडर नहीं करना है और हमको रेसिस्टिविटी निकालना है. कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, एरिया और लेंथ. ये चारों को मिला के डू यू स्ट्राइक एनी इक्वेशन? रो इज इक्वल टू आर आर ए अपॉन एल. ठीक है, बिल्कुल. सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. हमको क्या निकालना है? रो. सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए. हाउ मच इज आर? 5. हाउ मच इज ए? ए इज इन मीटर स्क्वेयर, सो वी विल टेक द वैल्यू एज इट इज 6.0 × 10⁻⁷. नो, हाँ ठीक है, आर इंटू ए. And L will come here. L is 15 meter. This is the value of specific resistance or resistivity. हाँ, इसका यूनिट बताइए. रो का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर. ठीक है, सिल्वर वायर हैज रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2.1 ओम. एट 27.0 डिग्री, दैट मीन्स टेम्परेचर इज गिवन टू अस 27.5 डिग्री सेल्सियस. एंड ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी. फाइंड अल्फा. ओके, इसको किस तरह से बनाएंगे? इसमें हमको क्या क्या दिया है? इसमें हमने R की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया है और दो बार दिया है. अल्फा हमको निकालना है, डेल्टा T नहीं दिया है. तो हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा करके देखते हैं क्या आता है. आपका ये कहना है इसको हम मान लें आर नॉट और इसको मान लें आर वन, एंड वी अप्लाई द फॉर्मूला आर नॉट 1+. ओके, आर नॉट प्लस वाला ले लेते हैं, जल्दी होगा. अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है आपको? क्या बोलिए? वेरी गुड, आर वन माइनस आर नॉट, आर नॉट इंटू, यस, डेल्टा टी.
इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, R1 माइनस R0 0.6 डिवाइडेड बाय R0 2.1 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 72.5। ठीक है, ओके, तो इसको करके देखते हैं ये कितना आता है। निकालिए, ओके, ये आपने करके देखा, 9 × 10⁻³। अच्छा, एक दूसरे तरीके से करके देखते, लेट दिस रेसिस्टेंस बी आर नॉट व्हेन द टेम्परेचर इज 0 केल्विन, 0 केल्विन, ओके, सो करेक्ट कैलकुलेशन इज 0.0039। ये आ गया अल्फा का वैल्यू। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? अल्फा ओम ओम कैंसल हो गया, दिस इज पर, हाँ, पर सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। सी माइनस वन पर डिग्री सेल्सियस, ओके, सो गॉट इट? ठीक है, नाउ वी गो टू 3.8। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, नाइक्रोम वोल्टेज 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉ एन इनिशियल करेंट 3.2 एम्पियर, इनिशियल करेंट 3.2 एम्पियर विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर आफ्टर फ्यू सेकेंड इट स्टेबिलाइज एट 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element? What is steady temperature of heating element? Room temperature is 27. Room temperature is 27 degrees Celsius. Temperature coefficient of resistance of nichrome, alpha for nichrome, this is given to be 1.70 × 10⁻⁴. Per degree Celsius. Okay. So, what we are supposed to find out? What is steady temperature? ये क्यों पूछ रहे हैं टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर को? तो नाइक्रोम क्या चीज है? There is a heater made of नाइक्रोम, इसको 230 वोल्ट पे हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया इनिशियली शुरू में करंट कितनी है 3.2 एम्पियर, और थोड़े एक सेकेंड के बाद
जब वो लाल गर्म हो जाता है फिर उसकी करंट कितनी हो जाती है, 2.8 एम्पियर करंट कम हो गई। क्यों करंट कम हो जाएगी? आई का फॉर्मूला बोलिए, वी अपॉन आर। वी तो हमने वही दिया 230 वोल्ट, तो आई कम हो गई मतलब क्या हो गया होगा, रेसिस्टेंस बढ़ गया होगा। और अब आप समझ रहे हैं रेसिस्टेंस क्यों बढ़ गया होगा। हाँ, जब हीटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो शुरू में वो ठंडा था, रूम टेम्परेचर पे था, कितने टेम्परेचर पे बताइए, यस। फिर हमने उसको गर्म किया, गर्म हो गया तो क्या बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट का क्या होगा, हाँ वो करंट हमको दी है, निकालना क्या है, यस। ये एक स्टेप और ज्यादा हो गया जो हमने पहले निकाला था। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, R माइनस आर जीरो या R इज इक्वल टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा इंटू टी टू माइनस टी वन, ऐसा किया था। ओके, अभी भी वही करेंगे। इसमें आपको कोई चीज का प्रॉब्लम है क्या जो नहीं दिया हो? तो आंसर है ना, तो हमको R2 दिया है ना R1 दिया है। तो नहीं दिया तो हमको चाहिए। देखिए फिर से हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको टेम्परेचर हाई होने से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। इसमें हम ये निकालना चाहते हैं T2, बाकी सब हमको मालूम होना चाहिए। क्या क्या दिया है, अल्फा दिया है हमको, दिया है टी वन दिया है, टी टू निकालना है, अल्फा दिया है, अब क्या चाहिए, आर नॉट और आर नहीं दिया है, उसके बदले में क्या दिया है, तो क्या आपको करंट और वोल्टेज से आर निकालना आता है, सबको आता है, बस बन गया। चलो बनाइए, आर निकालो, आर नॉट निकालो और दोनों की वैल्यू रख के टी टू की वैल्यू निकालो। अब इन्होंने दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, एक बार आर निकालना और एक बार टी निकालना। अब बताइए आर टी कितना, एंड दिस इज 71.9। नाउ इट इज ओके, सो 82.1 इज इक्वल टू 71.9 प्लस 71.9 इंटू अल्फा 1.74 इंटू टी टू माइनस टी वन, टी वन इज 27 82.1 माइनस 71.9 इज 10.2 डिवाइडेड बाय 71.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दिस प्लस 27 इज इक्वल टू टी टू। अब इसको हमने सॉल्व किया, दिस 10 टू द पावर माइनस 4 यहां चला गया, 10 टू द पावर प्लस 4 बन के, और ये
इसको इधर ले लेते हैं, दिस 719 वी कैन राइट इवन 72 फॉर कैंसलेशन पर्पस, सो दिस विल बी 10.2 अपॉन 72, सो दिस वी कैन राइट एज 102072 इंटू 174. एक्चुअली दिस 174, दैट्स ऑल, प्लस 27 इज इक्वल टू T2. और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए ये कितना आता है. दिस इंटू 10 to the power 4, ये भी हमको 174 नहीं रखना चाहिए, वी कैन मेक इट 17. सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखिए, हमारे क्वेश्चंस में डेसिमल के बाद वन प्लेस अलाउड है. ये देखिए 3.2, 2.8, डेसिमल के बाद एक, अल्फा में कितना दिया है 2, तो मिनिमम कितना है 1, वी कैन ऑल्सो गो फॉर 1. ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालिए और बताइए T2 कितना आता है. दिस थिंग, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आया ये 814 प्लस 27 एंड दिस कम्स टू 841 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द आंसर. ठीक है, ये थोड़ा सा बुक से वेरी कर सकता है. क्यों वेरी कर सकता है? क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे ओमिशन किए हैं अप्रोक्सीमेट करके, इसलिए हो सकता है, डजंट मैटर. ठीक है, अगर हम शुरू से कैलकुलेटर से लेते तो हो सकता है हमारा बुक के बराबर आता. ठीक, सो लेकिन इधर देखिए हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है उसका बॉदरेशन नहीं है. इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है और हमको क्या क्या निकालना है, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए. कि अगर हमको टेम्परेचर निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, आर, आर नॉट, अल्फा और T1. यहां पर हमको आर और आर नॉट कैसे निकालना पड़ा, वी अपॉन आई करके, फिर उसके बाद इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा. मल्टीप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया. दिस इज हाउ वी डिड इट. ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. That is 3.9, एक combination of resistance है, उसको मैं draw करता हूँ.